Hello everyone, I am Monica and this is the second video of a short story, The Child, written by Munshi Premchand. Munshi Premchand, who began writing under the pen name Navabrai, he also added a prefix Munshi to his name and was popularly known as Munshi Premchand. Because of his versatile writing, Premchand has been referred to as the Upanyas Samrat by hindi writers and premchand introduced realism into hindi literature and this is the second video of the short story the child first video mein aapne dekha ki ye kahani hai gangu naam ke ek brahman नौकर की हालांकि वो सर्वेंट का काम करता है लेकिन वो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता है इसलिए वो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है हर किसी से बात नहीं करता अनपढ़ है वो लेकिन अपनी जाति की वजह से वो अपने आप को दूसरों से ऊपर समझता है गंगू अपने मालिक नरेटर को बताता है कि वो नौकरी छोड़ना चाहता है इस बात पर जो नरेटर है लेखक है वो हैरान होता है और उससे नौकरी छोड़ने का कारण पूछना चाहता है कि क्या उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से वो ये नौकरी छोड़ के जा रहा है गंगू कहता है कि उस जैसा मालिक तो शायद ही किसी को मिले कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो बताता है कि वो गोमती देवी से शादी करना चाहता है और मैं नहीं चाहता कि शादी करने के बाद लोग आप पर उंगलियां उठाएं गोमती देवी जिसे एक विधवा आश्रम से बाहर निकाल दिया गया था क्या कारण रहे उसके बाहर निकालने के ये हम अब पढ़ेंगे और गंगू क्यों उससे शादी करना चाहता है गंगू का जो मालिक है मीन्स लेखक नरेटर क्या वो उसको मना करेगा शादी करने के लिए जब गंगू ने लेखक को बताया कि आई वॉन्ट टू मैरी हर सर कि मैं गोमती देवी से शादी करना चाहता हूँ तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सर का बोझ उतार कर नीचे रख दिया है आई हिम इन अमेजमेंट गैप्ट एट मीन्स लुकड विद ओपन माउथ खुले मुँह से देखना अमेजमेंट मीन्स हैरानी के साथ मैं उसे हैरानी के साथ खुले मुंह से देख रहा था मीन्स लेखक बहुत ज़्यादा हैरान हो गया ये बात सुनकर कि उसका जो नौकर है गंगू वो गोमती देवी से शादी करना चाहता है दिस टुपिट ब्राह्मण विद हिज़ ओल्ड फैशन आइडियाज़ हैज़ रिमेंड एंटायरली अनटच्ड बाई द ब्रीजेज ऑफ मॉडर्निटी मॉडर्निटी वॉन्ट्स टू मैरी दैट लूज़ वुमेन लेखक के मन में आता है कि ये तो बहुत ही स्टूपिड ब्राह्मण है ओल्ड फैशन आइडियाज़ हैं इसके ये कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मॉडर्निटी आधुनिकता का ने उसको छू लिया है ऐसा प्रतीत हो मीन्स जो गंगू है वो ज़्यादा आधुनिक भी नहीं है फिर किस तरह से वो एक लूज वुमेन बुरे चरित्र वाली महिला के साथ शादी करना चाहता है हुम नो डिसेंट मैन फुड अलो इनसाइड हिज हाउस एक ऐसी महिला जिसको कोई भी सभ्य पुरुष अपने घर के अंदर आने नहीं देगा गोमती हैड क्रिएटेड मच टर्बुलेंस इन आर पीसफुल नेबरहुड टर्बुलेंस मीन्स उथल पुथल गोमती ने हमारे शांत पड़ोस में उथल पुथल मचा रखी है शी हैड कम टू द विडोज होम मैनी ईयर्स एगो वो बहुत साल पहले विधवा घरा में ग्रह में आई थी द होम्स एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैड गोटन हर मैरिड थ्री टाइम्स बट ईच टाइम शी रे नवे इन अ फोर्थ नाइट और अ मंथ्स टाइम एंड रिटर्न टू द होम जो विधवा ग्रह के अधिकारी थे प्रशासन के अधिकारी थे विधवा ग्रह के को जो संभालने वाले थे उन्होंने तीन बार उसकी शादी करवाई लेकिन तीनों ही बार वो कभी पंद्रह दिन में कभी चौदह दिन में कभी एक महीने में वापस वहाँ के उसी विधवा गृह में आ जाती थी दिस टाइम द हेड ऑफ द होम हैज़ थ्रोन हर आउट और इस वक्त जो विधवा ग्रह का जो हेड था उसने उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया शी हैड रेंटेड अ रूम इन द नेबरहुड उसने पड़ोस में एक कमरा किराए पर लिया एंड हैड बिकम अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट फॉर द डिसोल्यूट मैन ऑफ द लोकेलेटी और अब वो इस एरिया के जो अभद्र पुरुष थे कामुक व्यक्ति थे उनकी इंटरटेनमेंट का मनोरंजन का साधन बनी हुई थी आई वॉज एंगर्ड बाई गंगू सिंप्लिसिटी बट ऑल्सो पीटिड हिम लेखक कहता है मुझे गंगू की सिंप्लिसिटी पर गुस्सा आ रहा था कि गंगू इतना ज़्यादा सिंपल इतना सीधा क्यों है बट ऑल्सो पीटेड हिम परंतु साथ ही साथ उस पर दया भी आ रही थी इस दिस द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड दिस डंकी कैन फाइंड टू मैरी उसने सोचा कि क्या उसे पूरी दुनिया में क्या इस गधे को पूरी दुनिया में यही एक लेडी मिली शादी करने के लिए शी हैड रन अवे फ्रॉम थ्री हस्बेंड्स हाउ लॉन्ग शी विल स्टे विद हिम वो अपने तीन पतियों को छोड़कर भाग चुकी है तो वो उसके साथ कितने टाइम तक रहेगी इफ़ ही वर अ वेरी रिच मैन इट माइट बी डिफरेंट हाँ अगर वो कोई बहुत अमीर व्यक्ति होता तो बात अलग थी पर शी वुड हैव स्टेड फॉर सिक्स मंथ्स और ईयर शायद वो उसके साथ छः महीने या एक साल रहती दिस फेलो इज़ एज गुड एज अ ब्लाइंड मैन ये व्यक्ति मीन्स गंगू इतना अच्छा है जैसे कि एक अंधा व्यक्ति दे वॉन्ट गेट अलोंग फॉर इवन अ वीक मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते से ज़्यादा वो इसके साथ रहेगी तो ये व्यक्ति क्यों पूरी तरह से अंधा हो गया है आई सेड इन अ वॉर्निंग टॉन डू यू नो दिस वुमेन लाइफ स्टोरी मैंने उसे चेतावनी देते हुए स्वर में कहा क्या तुम इस महिला के जीवन की कहानी को जानते हो इस महिला के बारे में जानते हो गंगू सैड एज इफ स्पीकिंग ऑफ इवेंट्स ही हैड विटनेस्ड विद हिज ओन आइज इट इज़ ओन लाइज सर पीपल हैव डी फेम्ड हर फॉर नथिंग गंगू ने कहा कि सभी लोग झूठ बोलते हैं उसको बदनाम करने के लिए वो उसके बारे में बातें कर रहे हैं वट डू यू मीन डिडंट शी रेना वे फ्रॉम थ्री हस्बेंड्स नरेटर ने कहा तुम्हारा क्या मतलब है क्या वो अपने तीनों पतियों को छोड़कर नहीं भाग के आई है दे थ्रू हर आउट सो वट कुड शी डू कंगू ने कहा उन्होंने उसको अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया था तो वो क्या करती वट अ फूल यू आर नरेटर कहता है तुम कितने मूर्ख हो वुड एनी वन ट्रेवल सच लॉन्ग distances एंड स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ rupees टू मैरी a woman जस्ट इन ऑर्डर टू थ्रो हर आउट narrator कहता है गंगू को तुम कितने मूर्ख हो एक व्यक्ति हजारों रुपए खर्च करके इतना लंबा रास्ता तय करके किसी महिला से शादी करने के लिए आता है क्या इसलिए शादी करके लेके जाता है ताकि वो उसको बाहर फेंक दे गंगू सैड विद डी दी, विद डीप इमोशन सर आ वूमैन कैन नॉट लीव वेयर देयर इज नो लव गंगू ने बड़ी ही गहरी भावनाओं के साथ कहा कि श्रीमान एक औरत वहाँ कैसे रह सकती है जहाँ पर उसे प्रेम ना मिलता हो अ वोमेन वॉन्ट्स मोर देन फूड एंड क्लोथ्स शी वॉन्ट्स सम लव टू एक औरत को सिर्फ भोजन और कपड़े ही नहीं चाहिए होते बल्कि उसे प्रेम भी चाहिए होता है दोज पीपल थिंक दे हैव डन अ विडो अ ग्रेट फेवर बाय मैरिंग हर उन लोगों को जिनके साथ उसकी शादी हुई थी ये लगता था कि उन्होंने एक विधवा से विवाह करके उसके ऊपर एक एहसान कर दिया है दे वॉन्ट हर टू बिकम देयर्स बॉडी एंड सोल बट टू मेक अनदर ओन वन हैज टू फर्स्ट बिकम द अदर पर्सन सर दे अदरस हर टू बिकम देयर्स बॉडी एंड सोल बट टू बिकम अनदर पर्सन वंस ओन वन हैज टू फर्स्ट बिकम द अदर पर्सन सर that is the thing and then she also suffers from an ailment a ailment means bimari she is possessed by a spirit sometimes she gets hysterical and falls down in a faint gangu kehta hai ki jin se unki uski shaadi hui thi gomti devi ki wo sirf uske sharir aur atma से हमें पूरी तरह से दूसरे को समर्पित होना पड़ेगा तभी एक रिश्ता आगे बढ़ सकता है लेकिन उस केस में ऐसा नहीं हुआ और दूसरा वो एक बीमारी से भी ग्रसित थी उस पर किसी आत्मा का साया था वो हिस्ट्रिकल हो जाती थी और बेहोश होकर गिर जाती थी एंड यू विल मैरी सच अ वूमेन आई सेड शेकिंग माई हैड इन डिस में योर लाइफ विल बी रियून्ड नरेटर ने कहा मैंने कहा कि और तुम एक ऐसी महिला से शादी करना चाहते हो शेकिंग माई हैड इन डिसमे योर लाइफ विल बी रूड बड़े ही डिसमे से उदासी से हैरानी से परेशानी से मैंने अपना सर हिलाते हुए कहा तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा गंगू सेट साउंडिंग लाइक अ माइटर आई थिंक माई लाइफ विल बी फुलफिल्ड सर द रेस्ट इज गॉड विल्स गोड्स विल गंगू ने कहा एक शहीद की तरह उसकी आवाज़ आ रही थी कि आई थिंक माई लाइफ विल बी फुलफिल्ड सर कि श्रीमान मुझे लगता है मेरा जीवन संपूर्ण हो जाएगा बाकी भगवान की इच्छा पर निर्भर है आई सेट फर्मली हैव यू मेड अप योर माइंड मैंने बड़ा जोर देते हुए कहा क्या तुमने अपना पूरा मन बना लिया है यस सर देन आई एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन गंगू ने कहा यस सर तब नरेटर ने कहा ठीक है फिर मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन तुम्हारा त्यागपत्र स्वीकार करता हूँ आई एम नोट अ स्लेव of meaningless conventions and useless principles but it would certainly be problematic to employ a man who marries a wicked woman जो meaningless conventions हैं ऐसी प्रथाएं हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है यूज़लेस प्रिंसिपल्स किसी कैसे सिद्धांत जिनका कोई यूज़ नहीं है मैं उनका गुलाम नहीं हूँ, परंतु इट वुड सर्टनली बी प्रॉब्लमेटिक परंतु यह मेरे लिए एक परेशानी का कारण हो सकता है कि लोग मुझे कहेंगे कि मैंने एक ऐसे आदमी को अपने यहाँ रखा हुआ है जिसने एक नीच महिला से शादी की है फ्रेश कॉम्प्लिकेशंस विल अराइज़ एवरी डे न्यू डेलेमाज विल क्रॉप अप द पुलिस माइट कम कॉलिंग लो सूट्स माइट इन रोज़ाना नई नई परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ेगा नई नई दुविधाएँ मेरे सामने आएँगी पुलिस हो सकता है बुलाने के लिए आ जाए और मैं कानून के पचड़ों में पड़ जाऊँ क्वाइट पॉसिबली थैप्ट माइट अकर और इस बात की भी संभावना है कि हो सकता है चोरी भी हो जाए इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड दिस स्वैम्प स्वैम्प मीन्स डिफिकल्टी परेशानी इस परेशानी को अवॉइड करने के लिए यही सही है कि मैं ये पत्र ले लूँ लाइक अ विंग क्रिएचर गंगू हैड बीन हैड सीन अ पीस ऑफ ब्रेड एंड वॉज रशिंग टू वर्ड्स उसे लगता है कि एक भूखे इंसान की तरह जिस तरह से एक भूखे इंसान को एक रोटी का टुकड़ा दिख जाता है वो उसकी तरफ भागता है यही पोजीशन गंगू की हो रही है ही डिडेंट केयर दैट द ब्रेड वॉज हाफ इट एंड ड्राई एंड अन फिट टू एट उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिस तरह से किसी भूखे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई रोटी का टुकड़ा है तो रोटी आधी खाई हुई है सूखी है खाने योग्य नहीं है क्योंकि वो भूखा है तो उसको रोटी खानी है ठीक इसी तरह से गंगू की पोजीशन है कि उसको आगे पीछे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा ही वॉज़ अनेबल टू यूज़ हिज मेंटल फैकल्टीज आई थोट इट इन माई बेस्ट इंटरेस्ट टू सर्व कनेक्शंस विद हिम वो अपने दिमाग से बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है और जो उसके लिए आगे चलकर बहुत हानिकारक होगा तो यहाँ नरेटर ने उसको फ्री कर दिया अपने सर्विसेज से फाइव मंथ पास्ट पाँच महीने गुजर गए गंगू हैड मैरिड गोमती एंड वॉज लिविंग इन अ थेस्ट हाउस इन द सेम नेबरुड गंगू ने गोमती से शादी कर ली और वो एक घास फूस की झोपड़ी में वहीं नज़दीक ही पड़ोस में रहने लग गई ही एट आउट आर लिविंग बाई सेलिंग स्नैक्स फ्राम अ कार्ट वो कार्ट में एक गाड़ी में एक ठेले में कार्ट मीन्स ठेला एक ठेले में खाने पीने का सामान बेचने लगा वट एवर आई मेट हिम इन द मार्केट वेन एवर आई मेट हिम इन द मार्केट आई वुड स्टॉप टू इन्क्वायर हाउ ही वॉज डूइंग मैं जब भी कभी उसे मार्केट में मिलता तो मैं उसे रोकता ये जानने के लिए कि वो क्या कर रहा है आई हैड बिकम वेरी इंटरेस्टेड इन हिज लाइफ मुझे उसके जीवन में बहुत ज़्यादा रुचि थी इट वॉज़ लाइक एन एक्सपेरिमेंट और ऑन नॉट जस्ट अ सोशल बट ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन उसका जीवन मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह से था सिर्फ सामाजिक रूप में ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक जो कई प्रश्न मेरे दिमाग में थे उनके लिए भी आई वॉन्टेड टू सी हाउ थिंग्स वुड टर्न आउट मैं देखना चाहता था कि चीज़ें किस तरह से बदल जाती हैं आई ऑलवेज सो गंगू लुकिंग चीयरफुल मैंने हमेशा गंगू को खुश देखा आई कुड क्लियरली सी इन हिम द एनर्जी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट बोर्न ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम वरी मैं उसके चेहरे पर साफ साफ एक एनर्जी और सेल्फ़ रिस्पेक्ट देख सकता था आत्म सम्मान देख सकता था और वो एनर्जी और सेल्फ रिस्पेक्ट तभी आ सकती है जब हम चिंताओं से दूर एक समृद्ध और आज़ाद जीवन जीते हों ही सोल्ड गुड्स वर्थ आ रूपी और ट्वेंटी आनाज एवरी डे वो रोज़ाना एक रुपये बीस आना की का जो सामान था उसको बेचता आफ्टर डिडक्टिंग द इन्वेस्टमेंट ही गोट अ प्रॉफिट ऑफ एट और टेन आनाज अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर हम उसकी इन्वेस्टमेंट को देखें उसको डिडक्ट करने के बाद उसको कम करने के बाद तो जो उसका प्रॉफिट बचता था वो आठ या दस आने बचता था मींस अगर उन उन पैसों को माइनस कर दिया जाए जितने में उन्होंने उसने सामान ख़रीदा है और जितने में उसने बेचा है अगर उसका प्रॉफिट निकाला जाए तो आठ या दस आने का उसका प्रॉफिट था दिस वॉज़ हिज इनकम यही उसकी कमाई थी बट ही वॉज़ ब्लेस्ड बाई सम गॉड बिकॉज ही शोड नो साइन ऑफ शेमलेसनेस एंड डिप्रिवेशन फाउंड इन अदर्स ऑफ हिज क्लास परंतु उसे किसी भगवान का आशीर्वाद ही प्राप्त था क्योंकि उसके चेहरे पर कभी भी शर्म या अभाव डिप्रिवेशन मीन्स अभाव कभी भी उसके चेहरे पर नहीं देखा जो उसके क्लास के जो उसके जाति के अन्य लोगों में होता है मीन्स उसके जाति के अन्य लोग इस तरह का काम करना अपनी रेपुटेशन के खिलाफ समझते हैं लेकिन उसके चेहरे पर हमने कभी मैंने कभी ऐसा नहीं देखा द डिग्निटी एंड जॉय ऑन हिज फेस कुड अराइज़ ओनली फ्रॉम इनर पीस एक सम्मान और जो खुशी की भावना थी उसके चेहरे पर वो केवल तभी आ सकती है जब किसी के पास इनर पीस हो आंतरिक रूप से शांति हो वन डे आई हर्ड दैट गोमती हैड रन अवे फ्रॉम गंगूज हाउस एक दिन मैंने सुना कि गोमती गंगू के घर से भाग गई है आई डोंट नो वाई आई एक्सपीरियंस्ड अ स्ट्रेंज प्लेजर एट द न्यूज़ मुझे नहीं पता लेकिन एक अजीब सी खुशी मुझे हुई यह समाचार सुनकर I had फेल a certain envy of ऑफ contented and happy life, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं doubt था गंगू के संतुष्ट और खुशी जीवन खुशी जीवन पर I was waiting for something unexpected, मैं कुछ unexpected होने का मैं इंतज़ार कर रहा था कि कुछ ऐसा हो जिसकी उम्मीद न की गई हो Some disaster, some shameful, shameful incident to occur. मैं भी इंतज़ार कर रहा था कुछ अनहोनी का कुछ विनाश का कोई शर्म से भरा हुआ इंसिडेंट हो इस चीज़ का दिस न्यूज़ टोस्ट माय एन और इस खबर ने कहीं ना कहीं मेरे भीतर की जो ईर्ष्या थी उसको ख़त्म किया फाइनली वट आई हैड बिलीव्ड वुड हैपन हैड हैपनड अंत में जिस चीज़ का मुझे विश्वास था वो चीज़ हुई फाइनली द इडियट हैड सफर्ड द पनिशमेंट फॉर हिज शॉर्ट साइटडनेस अंत में उस मूर्ख को उस चीज़ की सज़ा मिली कि जो वो उसकी शॉर्ट साइटडनेस थी वो ज़्यादा दूर का नहीं देख रहा था लेटस सी वट फेस ही पुट्स ऑन इट नाउ हिज आइज विल बी ओपन एंड ही विल रियलाइज दैट दोज हु एडवाइज हिम अगेंस्ट दिस मैरिज वर हिज वेल विशर अब वो क्या करेगा अब किस तरह से नाउ हिज आइज़ विल बी ओपन अब उसकी आंखें खुलेंगी और वो इस बात को महसूस करेगा कि जो लोग उसे सलाह दे रहे थे कि उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए वो वास्तव में उसके शुभ चिंतक थे उसके वेल विशर थे एट दैट टाइम ही बिहेव्ड एज इफ़ ही हैड कम अक्रॉस सम रेयर ट्रेजर और एज़ इफ़ द गेट्स ऑफ लिब्रेशन हैड ओपन टू हिम एक समय था जब वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि उसे कोई बहुत ही दुर्लभ खजाना मिल गया है जो किसी के पास नहीं है और उसकी आज़ादी के जो रास्ते हैं वो खुल गए हैं सो मैनी पीपल टोल्ड हिम दैट दिस वुमेन वॉज़ नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट हैड बी ट्रेड सेवरल अदर्स एंड वुड बी ट्रेड हिम टू बट दैट एडवाइस वॉज़ लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक कितने लोगों ने उसको सलाह दी थी कि ये औरत विश्वास के काबिल नहीं है उसने दूसरों को धोखा दिया है और वो उसको भी धोखा देगी लेकिन ये सलाह उसके लिए इस तरह से थी जिस तरह से एक घड़े पर, पर पानी डालते हैं चिकने घड़े पर पानी डालते हैं और वो बह जाता है मीन्स उसने किसी की भी सलाह नहीं सुनी नाउ आई विल सी हाउ ही इज़ डूइंग अब मैं देख सकता हूँ कि वो अब मैं देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है आई विल से वेल सर आर यू हैप्पी विद दिस बोन फ्रॉम योर गुडनेस और नोट यू नेवर टायर्ड ऑफ़ प्रेजिंग हर एंड सेट दैट पीपल स्पोक अगेंस्ट हर मियरली फ्रॉम इल विल नाउ टेल मी हु वॉज मिस्टेकन आप नरेटर के मन दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं कि अब मैं उसे पूछूंगा कि क्या तुम्हें उस देवी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ या नहीं हुआ तुम उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकते थे अगर कोई उसके बारे में कुछ कहता तो तुम्हें लगता था कि वो अपनी बुरी भावनाओं की वजह से ये बात कह रहा है अब मुझे बताओ कि क्या गलत था कौन गलत था द सेम डे बाई चांस आई रेन इन टू गंगू इन द मार्केट सेम दिन बाई चांस मैं और गंगू मार्केट में मिले ही वॉज अपसेट एजिटेटेड कम्प्लीटली लॉस्ड वो बहुत अपसेट था एजिटेटेड मीन्स परेशान था कम्प्लीटली लॉस्ड और पूरी तरह से लॉस्ड था एज सोन एज ही सो मी हिज आइज़ फिल्ड विद टीयर्स जैसे ही उसने मेरी तरफ़ देखा उसकी आँखें आंसुओं से भर गई ही केम टू मी एंड सैड नॉट विद एम्बरेसमेंट विद बट विद पेन सर गोमती हैज़ बी ट्रेड मी टू वो मेरे पास आया और उसने कहा उसके कहने में एक दर्द था उसने कहा श्रीमान गोमती ने मुझे भी धोखा दिया आई सेट विद क्रूअल प्लेजर बट प्रम्पथी आई टोल्ड यू सो बट यू वुडेंट लिसन नाउ यू मस्ट इन्ड्योर द कंसिक्वेंसेज वट एल्स कैन यू डू डिड शी टेक ऑल योर मनी और डिड शी लीव एनी फॉर यू मैंने बहुत ही मुझे बहुत ही एक निर्दयी सी खुशी हो रही थी लेकिन मैंने ऐसा प्रिटेंड किया ऐसा दिखाया उसके प्रति सहानुभूति को दिखाया गंगू के प्रति सहानुभूति को दिखाया और कहा कि मैंने तुम्हें पहले से ही किए कहा था लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी अब तुम इसका परिणाम भुगतो अब तुम क्या कर सकते हो क्या वो तुम्हारा सारा पैसा ले गई है या तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के भी गई है गंगू पुट हिज हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट एज इफ हिज हार्ट वॉज वॉन्डेड बाय माई वर्ड्स एंड सैड ओ नो सर डोंट से सो शी हैजन टस्ट अ सिंगल थिंग गंगू ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे शब्दों से उसे उसके दिल को चोट पहुंची है उसने कहा अरे नहीं श्री ओ नो श्रीमान ओ नो सर आप ऐसा मत कहें उसने किसी भी एक सिंगल चीज़ को नहीं लिया है शी इज़ इवन लेफ्ट बिहाइंड हर ओन थिंग्स बल्कि वो तो अपना सामान भी यहीं पर छोड़ गई है आई डोंट नो वट डिफेक्ट शी सो इन मी मुझे नहीं पता उसे मेरे अंदर क्या कमी नज़र आई आई वॉज़ नॉट वर्दी ऑफ हर शायद मैं उस, मैं उसके योग्य नहीं था वट एल्स कैन आई से और मैं क्या कह सकता हूँ शी वॉज एजुकेटेड वो पढ़ी लिखी थी एंड आई एम कम्प्लीटली इलिटरेट और मैं पूरी तरह से अनपढ़ था इट वॉज़ सरप्राइजिंग दैट शी स्टेड विद मी सो लॉन्ग ये भी एक हैरानी वाली बात थी कि वो इतने लंबे समय तक मेरे साथ रही इफ़ आई हैड स्टेड विद हर वाइल लोंगर आई वुड हैव बिकम अ मैन अगर मैं कुछ और समय उसके साथ रहता तो शायद मैं भी एक इंसान बन जाता वट कैन आई टेल यू अबाउट हर सर मैं उसके बारे में और आपको क्या बताऊँ श्रीमान वट एवर शी मे हैव बीन टू अदर्स टू मी शी वॉज अ गिफ्ट सेंड बाई सम गॉड वो जो दूसरों के लिए थी वो जो मेरे लिए थी भगवान के द्वारा भेजा गया वो एक उपहार था आई डोंट नो वट मिस्टेक आई मेड मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हो गई बट आई स्वेयर शी नेवर सो मच एज looked एंग्री परंतु मैं शपथ लेता हूँ कि मैंने उसको कभी भी गुस्से में नहीं देखा वट एम आई सर आई एम आई लेबर वेन और ट्वेल्व अनाज but शी was ब्लेस्ड दैट शी मेड दिस लिटल गो अ a वे एंड वी नेवर फेल्ट दैट वी we एनी थिंग मैं एक मज़दूर मजदूरी ही तो करता था दस और बारह आना ही मेरे बनते थे लेकिन उसमें भी वो इतनी खुश थी हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे और हमें कभी नहीं लगा कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड आई हैड एक्सपेक्टेड हिम टू रिकाउंट अ टेल ऑफ़ हर इन्फिटिलिटी ये सब बातें सुनकर जो राइटर है वो बहुत निराश हुआ उसने तो उम्मीद की थी कि अब वो उसके धोखे की कहानियाँ सुनाएगा एंड आई वुड हैव सेम्पेथाइज विद हिज़ ब्लाइंड डिवोशन और जो उसकी अंधी श्रद्धा थी गोमती देवी के प्रति मैं उसके प्रति उसको सहानुभूति दूंगा ऐसा उसने सोचा था बट दिस फूल्स आइज़ वर नॉट यट ओपन परंतु नरेटर सोचता है कि इस मूर्ख की आंखें तो अभी भी नहीं खुली ही वार स्टिल सिंगिंग हर प्रेज वो अभी भी उसके गुणगान कर रहा है उसकी तारीफ कर रहा है ही डेफिनेटली सीम्ड मेंटली डिस्टर्ब निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गया है परेशान हो गया है तो आखिरकार गोमती देवी कहाँ चली गई थी अभी भी गंगू गोमती के गुणगान क्यों कर रहा था क्या वो फ्यूचर में कभी गोमती से मिल पाएगा और ये कारण जान पाएगा कि क्यों गोमती देवी उसको छोड़कर चली गई थी वी विल डू द रिमेनिंग चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द बेल आइकन लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो थैंक यू